हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी एवेंजर एंड गेम के बारे में, रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि एके आयरन मैन, जोस ब्रोलिन यानी कि एके थैनोस के बारे में। तो हॉट टॉय कंपनी ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस करा है जो कि काफी कमाल का है, और देन अगर आप मेरे सोशल मीडिया लिंक से अकाउंट से कनेक्टेड हो तो आपको ये अपडेट पहले ही पता चल चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो आपको याद होगा कि एवेंजर एंड गेम का ट्रेलर रिलीज होने से पहले कंपनी ने काफी सारे लीगो सेट लॉन्च करे थे जो कि काफी कमाल के थे, इसमें हमें काफी सारी डिटेल नजर आती है। तो सबसे पहला जो अपडेट था वो था व्हाट डिस्ट्रॉय फोटन कैनन, नंबर टू कैप्टन अमेरिका की शील्ड, कैप्टन अमेरिका का फिशिंग सूट, कैप्टन अमेरिका कॉन्ट्रेन सूट, कैप्टन अमेरिका की बाइक, नंबर थ्री आयरन मैन की लैब जो कि स्पेस में थी, देन जिसमें कि हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं पर इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं थी, देन उसके बाद आउटराइडर्स, वुल्वरिन वाले आउटराइडर्स जिनके पंजे थे वुल्वरिन जैसे, देन उसी के साथ थैनोस का लोग जो कि काफी कमाल का लग रहा था, उसी के साथ फंगू भी लॉन्च हुए थे जिसका ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड करती थी कि हमें इसमें डिटेल नजर नहीं आती थी। तो हॉट टॉय कंपनी ने कल शाम को 5 बजे यानी कल के दिन हॉट टॉय लॉन्च करे Mark 85 और थैनोस को फुली आर्मर जो कि काफी कमाल का लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं Mark 85 के बारे में जो कि रेड और गोल्डन में है जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और देन सबसे बड़ी बात, अगर ये नैनो पार्टिकल से चलता है तो मेरे हिसाब से ये स्पेस में बनाया गया है क्योंकि क्लासिक जो आर्मर है वो अलग अलग पार्टों से मिलकर बनाया गया था। जी हाँ, देन उसी के साथ अगर क्लासिक आर्मर में एक चीज इंपॉर्टेंट नोट है कि आपने देखा होगा कि उसका आर्क रिएक्टर में चेंजेस आ गए हैं, और देन फुल डिटेल में फुल HD अगर आपको ये चाहिए तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएंगे क्योंकि ट्विटर अकाउंट से फुल HD में ये मिल जाते हैं, ना कि फेसबुक पे। देन उसी के साथ साथ बात करते हैं थैनोस के बारे में। तो थैनोस की ये बात ही कहनी है क्योंकि फुली आर्मर HD एकदम हाई क्वालिटी में, और देन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्फिनिटी गॉटलेट जो डैमेज हो गया था वो इसमें डैमेज नहीं दिखाया गया, यानी कि एवेंजर एंड गेम में ये दोबारा से रिपेयर हो जाएगा। और देन उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस बात कि थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉटलेट के साथ साथ एक उसके पास नया वेपन भी आया है, इसका नाम तो अभी तक रिवील नहीं करा गया है पर जो भी इसका नाम होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो गाइस, ये थे वो अपडेट। देन उसी के साथ कॉस्ट बेबी, एक और कंपनी है जिन्होंने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, देन उसी के साथ कैप्टन मार्वल और उसके साथ रोनिन, तो ये वो 4 टॉयज थे जो कि लॉन्च करे गए थे, तो ये भी मैंने फेसबुक पे अपडेट दे दिए थे। देन उसी के साथ एक और अपडेट है एस्ट्रा में, तो डेथलोक एक ऐसा MCU कैरेक्टर है जो कि वो इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं इन फ्यूचर मार्वल फेज 4 में। अब डेथलोक का बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ पर धीरे धीरे जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आते हैं तो मैं आपको जरूर दूंगा। उसके बाद अगला अपडेट है काफी कमाल का सोनी कंपनी की तरफ से। तो फाइनली सोनी कंपनी ने फैसला करा है, अगर आपको नहीं पता है कि मार्वल के ऊपर अभी तक पूरे राइट्स नहीं है स्पाइडरमैन के, तो सोनी कंपनी ने फैसला करा है मार्वल के साथ कि वो 2026 तक स्पाइडरमैन की मूवीज को प्लान करेंगे, कैमियोस के साथ प्लान करेंगे इन फ्यूचर। देन अगला अपडेट है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ साथ जेम्स गन की मूवी सुसाइड स्क्वाड, तो फाइनली फरवरी के महीने में 2020 से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी सुसाइड स्क्वाड। और देन इसी के साथ उसमें मार्गेट वो कंफर्म हो चुकी है जो कि जेम्स गन ने कंफर्म करा है। तो गाइस, ये थे वो काफी कमाल के अपडेट। और देन अगर आपको ये मेरा फेस कैम वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये लाइक जरूर करना। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।